Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you things made of plastic. जो भी चीज प्लास्टिक से बने होते हैं आज हमें उनके नेम्स को लिखने हैं. तो आप बहुत सारी चीज डेली यूज में यूज करते हो जो प्लास्टिक से बने होते हैं. तो आज हम लोग कुछ नेम्स राइट करेंगे जो प्लास्टिक से बने होते हैं. तो सबसे पहले हमें, मुझे जो याद आ रहा है, मैं लिख रही हूँ टेबल. टेबल, TABLE, टेबल. टेबल जो आपके घर में होगा वुड से, लकड़ी से भी होता है, पर टेबल प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है. तो हम लिख सकते हैं थिंग्स मेड ऑफ में, ऑफ प्लास्टिक में टेबल भी, TABLE, टेबल. तो टेबल भी किस चीज से बनता है? प्लास्टिक से बनता है. आप लोग जो पानी पीते हो, सबके पास वाटर बोतल होगा, वो भी आप देखोगे कई बार कि वो प्लास्टिक से बना होता है. तो बॉटल भी आप लिखोगे BOTTLE, बॉटल. अभी तो ठंड का मौसम है बच्चों, लेकिन गर्मियों के मौसम में फ्रिज में मम्मा प्लास्टिक के बॉटल में पानी रखती है जिससे वो ठंडा हो जाता है. तो बॉटल क्या है? प्लास्टिक से बनता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रश. ब्रश जो आप लोग डेली यूज करते हो, डेली 2 times आपको ब्रश करना चाहिए जिससे आपके दांत हमेशा साफ रहेंगे. और जो ब्रश आप यूज करते हैं, BRUSH, ब्रश किस चीज से बना होता है? ब्रश प्लास्टिक से बना हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 में BOX, बॉक्स. आप देखोगे बहुत सारे बॉक्से होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं. नेक्स्ट है टेबल के साथ तो चेयर भी जो होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है. चेयर का स्पेलिंग है CHAIR, चेयर भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है. उसका भी नाम आप लिख सकते हैं. जो भी थिंग्स जो प्लास्टिक से बनता है उसके नाम आपको लिखने हैं. नेक्स्ट है टॉय यानी खिलौना. बहुत सारे टॉयज जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं. तो आप उसमें लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है MUG, मग. मग जो आप बाल्टी यूज करते हो और साथ में मग यूज करते हो, पानी पीते हो, सॉरी पानी नहाने के लिए बकेट में अक्सर देखोगे मग रखा रहता है. मग वो किस चीज से बना रहता है? वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है. तो हम लोग मग भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है बकेट. बकेट यानी बाल्टी, BUCKET, बकेट यानी बाल्टी. इससे भी, ये भी किस चीज से बना हुआ होता है? प्लास्टिक से बना हुआ होता है. नेक्स्ट है टॉपिक है किंग ऑफ यानी राजा. आप देखोगे बच्चों ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है. तो जानवरों के राजा का क्या नाम होता है? आप तो जानते हैं जानवरों का राजा का क्या नाम होता है? शेर यानी लायन. तो एनिमल्स का किंग क्या होता है? लायन. लायन का स्पेलिंग होता है LION, लायन. ये जानवरों का राजा होता है लायन. जब भी आपको ये टॉपिक किंग ऑफ दिया रहे तो आप समझ जाइए कि आपको उसमें सबका, जो भी टॉपिक दिया रहेगा उसका राजा का नाम लिखना है. अब नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2 में है बर्ड्स. अब चिड़ियों का राजा, चिड़ियों का राजा कौन होता है? वो होता है ईगल, EAGLE, ईगल. तो बर्ड्स का जो किंग होता है उसको हम लोग ईगल कहते हैं. नेक्स्ट है फ्रूट्स यानी फलों का राजा कौन होता है? फलों का राजा मैंगो होता है, MANGO, मैंगो यानी आम. वो क्या होता है? फलों का राजा होता है. नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का राजा. सब्जियों का राजा कौन है? आप जानते हैं हिंदी में बैंगन बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रिंजोल बोलते हैं, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है? BRINJAL, ब्रिंजोल यानी बैंगन. ये क्या होता है? वेजिटेबल्स का किंग होता है ब्रिंजोल. नेक्स्ट है नंबर 5 में फ्लावर्स होगा बेटा, यानी फूलों का राजा. फूलों का राजा कौन होता है?
फ्लास्क का राजा कौन होता है? फ्लास्क का राजा होता है रोज। फ्लास्क का राजा कौन होता है? रोज। रोज की स्पेलिंग आर ओ एस ई, रोज। ये फूलों का राजा होता है। ओके चिल्ड्रन, तो बेटा आपको इन सारे जो भी मैंने नेम्स राइट किए उसको स्पेलिंग के साथ याद करना है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।